गाय पालन कीजिए, सुअर पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के मुखिया से और मैं उस शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने नियोजन नीति जब आपने बना रहा था, क्या उन लोगों से गाय बगाल करने वाला इसका आपका सेक्रेटरी और सुअर पालने वाला मुख्यमंत्री का सलाहकार लोगों ने ड्राफ्टिंग किया था जो आपका नियोजन नीति हाईकोर्ट ने रद्द किया, इसलिए आज हम लोगों ने उसका पुतला दहन कर दिया है। सरकार यथाशीघ्र इसी सत्र, आज जो सत्र चालू हो रहा है इसी सत्र के दरमियान इस नियोजन नीति को संशोधित करके 18 वैकेंसी को जिस तरह उन्हें रद्द किया गया है और सरकार ने हाईकोर्ट को चुनौती दी। अरे भैया, आपके जैसा अनपढ़ लोग नहीं बैठे हुए हैं कुर्सी पे, सत्ता पे आप लोग जितना जो मैट्रिक लोग बैठे हुए हैं, मैट्रिक पास करके आप बैठे, वो लोग ग्रेजुएट और नियम कानून के तहत हाईकोर्ट में बैठे हुए हैं, तब जाकर के आज आपका कहीं खारिज किया गया, आप उनको चुनौती दे रहे हैं। आज का आपका ना गलती आप जनता पे थोप रहे हैं, इससे बड़ा गलती कौन हो सकता है। इसलिए आज हम लोगों ने पुतला दहन किया। अगर 23 तारीख तक सरकार इस नियोजन नीति को संशोधित करके दोबारा झारखंड प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी या अगर बहाल नहीं करती है तो हम लोग 24 तारीख को आर्थिक नाकाबंदी के लिए बाध्य हो जाएंगे और इसके जिम्मेदारी राज्य सरकार होंगे। थैंक यू। सबसे पहले भैया और एक चीज हम बोलना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पे शिक्षा मंत्री हम लोग देख पा रहे हैं, ये मैट्रिक पास केवल और केवल, ये कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है, जिन लोगों ने ढंग से नियम को देखा नहीं और इनको ज्ञान तो है ही नहीं। इसलिए मैं सबसे पहला बात को रखना चाहूंगा, यदि यहाँ पे विधायक यदि लड़े तो वह कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। इस तरह का मैट्रिक फेल इंटर फेल वाला हम लोगों को मंत्री या विधायक नहीं चाहिए। एकदम एकदम बताइए क्या कहना है। सरकार की जो नीति थी 2019 में जेएसएससी सीजीएल डाले थे, अभी तक 3 बार संशोधित हो चुका है। एक बार रघुवर के सरकार में हुआ था, एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत दास की सरकार में हुआ था, अभी 3 बार संशोधित हो गया। जो हम लोग का एज था वो क्या, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कभी काफी खर्च हो रहा है और 2018 से लेकर 2022 तक आ गया, एग्जाम कंटेक्ट नहीं कर पाया गया और बोल रहा है कि 3 दिन को एग्जाम लेंगे, सब भाषा के लेंगे और हम एक तो भाषा का बढ़िया उसमें ही नहीं कर पा रहा है, संशोधन नहीं कर पा रहा है, क्या करेंगे हम बेरोजगारी हुआ हमेशा। अरे संविधान 2 साल में बन गया था आपका, एक नियमावली 2 साल में नहीं बन पा रहा है, इसमें अब क्या करेंगे, 2024 में नई नियुक्ति करना है, फिर बोलेगा फिर जिताइए फिर करेंगे नियुक्ति, हम समझे ना, बोलेंगे ये सरकार ऐसे हो गया फिर से खींचिए हमको फिर जिताइए, ऐसा मनमानी नहीं चलेगा। अब युवा जा गया है 1932 का खतियान लागू करें या तो अपना सीट छोड़े, समझे ना। और एक भाई मेरा बहुत बढ़िया किया कि जो भी मंत्री बनेगा ग्रेजुएट होना चाहिए, शिक्षा मंत्री बना है तो उसके एजुकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए और जो छोटी भाग का मंत्री बने उस विभाग में उसका ऑनर्स होना चाहिए। क्या नाम हुआ, किस विभाग का मंत्री बने, क्या नाम हुआ, फाल्गुनी यादव। हम ऐसे नौजवान गरीब परिवार से भले ऊपर स्टेट में कोई बड़ा बड़ा आशय करे, हम आदिवासी हैं, हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं, ये लोग आगे और पिछड़ी का राजनीति करके यहाँ के नौजवानों को ठगने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो युवा है लगातार, अभी एक चीज बोलना चाहेंगे, ये जो नियोजन नीति बन रहा था तभी ये आप देखिएगा, अभी जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है पैरा 50 में लिखा गया है कि उससे यही साफ लग रहा है कि ना ही जो नियोजन नीति बनाया, ना ही कोई कमेटी बनाया, ना ही किसी से सलाह लिया, ये 1250 में लिखा हुआ है, देखिए आप उसको देखिएगा, पूरा यही बात है। तो नियोजन नीति बनाने से पहले कि हमको पहले एक कमेटी बनाना चाहिए, कमेटी बना के जांच कर मुझे क्या ये लागू है, ये तो नियोजन नीति जब बन रहा था तभी विरोध हुआ था, छात्र तभी भी विरोध किए थे, ठीक है, इसको निरस्त किया जाए सर, नया नियोजित है, इसको किसी ने इस बात को नहीं माना, पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं था, ये पॉलिटिकल एजेंडा ही था। देखिए साफ साफ इससे लग रहा है कि युवा को नौकरी नहीं देना है, इसको आज सरकार का 3 साल हो गया, संविधान बनने में मेरा कितना लगा, 2 वर्ष लगा है ना, ये अब ये देखिए हमारा 3 साल में एक नियोजन नीति तैयार नहीं होता, तो सीधा सीधी हम समझ रहे हैं इसका एजेंडा है कि
नौकरी देना नहीं है, रोजगार देना नहीं है, बस बरगला के रखना है, ठीक है। और आगे देखिए, ये बोल रहे हैं कि डबल बेंच पे जाएंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे जाके क्या कीजिएगा, हाँ वहाँ पे जाके भी आप तो भारत का टॉप वकील को लाके लड़ा लिए, मुगुल रोस्तगी सर, हाँ वो कपिल सिब्बल, वही तो ये जजमेंट किया है, ठीक है, उसको देखा, उसको लाके लड़ा लिए, अब वहाँ कौन आएगा, ये नीति भी वहाँ निरस्त हो जाएगा। और ये वहाँ जाने से बचाना चाहिए, हम सभी युवा को बचाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना प्रोस्टेट करेंगे, क्योंकि देखिए आंदोलन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट चल जाता है, छह महीना समय बर्बाद होगा, हमारा नियोजन, हमारा रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं निकलेगा, और वहाँ लास्ट डिसीजन यही आना है जो अभी है हाई कोर्ट। डिप्रेशन में लगभग लगभग सभी छात्र चले गए डिप्रेशन में, जब कोई कमेटी ही नहीं बना तो फिर नियोजन नीति कैसे बनेगा, कमेटी का नियोजन नीति दुर्भाग्य है आप लोगों के। कमेटी तो नहीं बनाई चूंकि यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, सबसे पहले मैंने बात को रखी है आपके पास, यहाँ पे ठीक है भैया मंत्री संतरी पढ़े लिखे नहीं है, आप अच्छे अच्छे वकील को रख सकते थे, बुद्धिजीवी को रख सकते थे, कई कानूनविद है जिसको आप जिसका आप सहयोग ले सकते थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अनपढ़ मंत्री है उस तरह से ही उन लोगों ने अपने हिसाब का ही कमेटी में भी लोगों को रखने का काम करता है लोग, लेकिन यहाँ पे कमेटी नहीं हुई है, दुर्भाग्य की बात है। क्या लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा तो कितना लंबा टना सकता है इसका? सुप्रीम कोर्ट अभी गया तो यहाँ पे जितना भी आज छात्र नजर आपको आ रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे शिक्षा मंत्री ने बोला कि आने वाला भविष्य जो है उनसे नौकरी करेंगे, वही उन लोगों का यही मंशा है, इसलिए हम लोग इस तरह का जो है मंत्री हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, जो इस टाइप का बात को बोलते हैं, जो असंवैधानिक शब्दों को प्रयोग करते हैं, इस तरह का मंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए, जो इंटरफेल हो इस तरह का मंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों को सोचने की क्षमता नहीं है, यदि होती तो इस तरह का असंवैधानिक बात को प्रयोग नहीं करते। लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा था युवाओं को इस तरह से नियोजन नीति पेश कर देना, ठगना, नेक्स्ट जो अगला इलेक्शन की तैयारी तो नहीं कर रही सरकार? बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है, बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है, आज झारखंड 22 साल होने चला है, आज तक यहाँ पे जो है यहाँ के लोगों को, आदिवासी मूलवासियों को सिर्फ और सिर्फ पीड़ित और शोषित करने का काम किया इन लोगों ने, आज तक की अस्थायी नियोजन नीति जिसको कहा जा सकता था वो आज तक इन लोगों ने निर्माण नहीं किया, नहीं बनाया, इसलिए चूंकि इन लोगों को डर है, यदि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी यदि पढ़ाई लिखाई ढंग से कर लिया, नौकरी यदि कर लिया, तो हम लोगों का जो है, हम लोगों का जो सत्ता है वो तो है, हम लोग बेदखल हो जाएंगे, इसके डर से पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें शामिल है, मिली भगत है, इसलिए यहाँ का युवाओं को फुटबॉल की तरह मारा जा रहा है, इधर से उधर फुटबॉल की तरह मारा जा। अगला आप लोगों का क्या प्लान है, क्या आप लोग पहल कर रहे हैं सरकार? यदि सरकार इसको यथाशीघ्र संशोधन करके यदि नहीं लाती है यहाँ के युवाओं के लिए नौकरियां, कितना टाइम आप लोग दे रहे हैं? हम लोग इसको 15-20 दिन का समय दे रहे हैं, इतने दिन में यदि वो संशोधन करके नहीं लाती है तो यहाँ का युवा रोड पे उतरेगी और पूरे झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी होगी। कहीं ना कहीं युवाओं को पिछले 22 साल से पहले काम किया जा रहा है, 22 साल हो गया है, एक नियोजन नीति सही ढंग से नहीं बनने का यह इल्जाम है कि नियोजन नीति को आखिरकार हाईकोर्ट में